फोकस करके। ये अच्छा शॉट खेला, लेट कट किया और आसिफ आफरीदी नहीं झुक सके इस गेंद पर आकर। एक बार फिर अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल किया, इस बार प्लेसमेंट भी उम्दा थी रमीज की टीम और बेंच के लिए। ये अपने एंगल चेंज करने के बाद लेंथ खराब हुई है, लाइन बहुत ज्यादा खराब हुई है। इससे पहले वाइड बॉल किया और अब यहाँ पर ऑन साइड पर नाबाद क्रिकेटर्स की जानिब से, क्योंकि पिच में बाउंस है और यहाँ बाउंस का फायदा उठाया रमीज ने। इस गेंद को ग्लांस किया है पर दो रन के लिए। देखो फिर एक बारी ऐत की कामयाब हो गए ने। ये इन्होंने पिछली बार भी कोशिश की थी, ऐत की इन्होंने गेंद बल्ले ने वजह है और काफी अंदर वजह है। हुण गल है कि यह जो इवेंट है देखो ये हम मार दीजिए सही समत फिर भी मैं कह एड्डी भरवी नहीं छिका भी हो जिन्ना वक्त मिल गया से जिड्डी ये भैड़ी गेंद सी मैं कहा इन्हू छिक्या से जाना चाहिए। और ये बड़ा शॉट खेला इस बार, खुलकर वार किया मिड विकेट पर और ये छह रन शुमार हुए। ये रफ्तार में गेंद कम तेज नहीं थी लेकिन ये देखिए ये अब बल्ले को ज्यादा ऊपर ही लेकर गए, गालिबन उनको एक अंदाजा था कि आगे आने वाली गेंद है। ये कितना अच्छा रोल किया रिस्ट को और उस जगह पहुंचा दिया जहां पे दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं था। एक और शॉट गेंद थी और इसे हुक कर दिया, अब लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। गेंद पर पूरा घूम गए रमीज अजीज, इब्तदा चौके से हुई थी और इख्तिताम छक्के पर। अब जब आप एक छक्का आपको लग चुका है फिर आप एक ऐसी गेंद कर रहे हैं उस बैट्समैन को कर रहे हैं जिसका एतमाद जो है वो आसमान की तजलियों को छू रहा है। इस वक्त लेफ्ट आर्म स्पिन कर रहे हैं और ये गेंद खासी पीछे गिरी और बैकफुट पर जाकर इसे लैप कर दिया। देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इस बार उठाकर खेला, लॉन्ग ऑफ के फील्डर जो हैं वो गिर गए, पहले गिरे उसके बाद ओवर रन कर गए। बदकिस्मती के सबब वो नहीं हो सका। यह अब देखिए बड़ा ही आसान सा काई था जो सरपट दौड़े, मैं कहा इसमें अपना वो बैलेंस लूज कर गए। मैदान तो बिल्कुल उसकी घास सही कटी हुई है। और शानदार पुल शॉट, इस बार अगले कदम सही खेल दिया, बिल्कुल खातिर में नहीं लाए यहाँ पर सुहेबुल्ला की रफ्तार को। और अब ये पार्टनरशिप 75 पर पहुंच गई और रमीज अजीज जो हैं उनने अपनी निस सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। नॉट लाइक राउंड, थोड़ी सी इसकी जो डायमेंशन है वो अजीब वो गरीब है। बहरहाल ये एक और डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर, ये बताइए इज इट अ फेयर कैच? जी हाँ, ये बिल्कुल फेयर कैच होना चाहिए। बिलावल भट्टी ने इसे नाकाबिले यकीन अंदाज में मुकम्मल किया। गेंद लो आ रही थी, अभी जो टीवी अंपायर हैं ये उनको अंदाज़ा हो जाएगा क्यों कोई शुबा नहीं था। बिलावल ने जिस तरह गेंद को कलेक्ट किया और रमीज अजीज जो हैं वो भी मुतमईन हैं, पूरे इत्मीनान से जा रहे हैं।